एवरीवन, श्री दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ ये सॉफ्ट सटल ग्लैम लुक शेयर करने वाली हूँ। ये काइंड ऑफ शॉर्ट ट्यूटोरियल है फॉर बिगनर्स। आई होप यू आर गोना लव दिस लुक एंड यू आर गोना नो हाउ टू क्रिएट दिस लुक। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, लास्ट टाइम वीडियो ज़रूर देखना। और इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने जितने भी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं ना, सब के सब 500 के अंदर है एंड दे आर सो गुड प्रोडक्ट्स। सो या इस वीडियो में ना मैं आपको उन सब के बारे में थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगी एंड आपको बताऊंगी वो कैसा वर्क करता है, आपको उसे लेना चाहिए कि नहीं। अगर आपकी विश लिस्ट में वो सारे प्रोडक्ट्स हैं या उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं, देन आपको आइडिया मिल जाएगा आपको उन्हें अपनी मेकअप किट में ऐड करनी है कि नहीं। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्किन केयर की चक्कर बाबू भैया, जितना अच्छा स्किन केयर उतना अच्छा मेकअप का रिजल्ट। मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है प्राइमर। प्राइमर से पहले अच्छे से अगर आपने स्किन केयर नहीं करा ना, तो प्राइमर भी आपकी स्किन में अच्छे से बैठेगी नहीं। अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है देन ये प्राइमर आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी स्किन ड्राई है देन आप ट्राई करो हाइड्रेटिंग प्राइमर। प्राइमर इज़ द फर्स्ट लेयर एंड इट क्रिएट्स अ स्मूथ कैनवस on your skin, so don't rub, don't drag, just apply the primer and gently spread it, blend it. This primer is very good for oily skin people because this gives you a matte finish and remove all the shine from your face. Color correction and conceal both are different things. अगर आपकी स्किन में थोड़े बहुत स्पॉट्स है देन आप उसे कंसील करके हाइड कर सकते हो। अगर आपकी स्किन में डार्क पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, आंकने मार्क्स है, देन आपको कलर करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लैक आंकने स्पॉट एंड पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए मैं कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर फ्रॉम इनवर बे। पैक कंसीलर ब्रश के हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट ड्रैग, जेंटली ब्लेंड इट। बस ओवर ब्लेंड करके इसे ना गायब बिल्कुल मत करना। ऑरेंज कलर करेक्शन के ऊपर अगर सीधा फाउंडेशन लगा लिया तो मे बी वो ऑरेंज ही दिख सकती है। सो ऑरेंज को हाइड करने के लिए मैं ले रही हूँ इनसाइड प्रो कंसीलर पैलेट से मेरी स्किन टोन से डार्कर कंसीलर शेड, उसी को लेके ऑरेंज कलर करेक्शन को मैं हाइड कर रही हूँ। अगेन बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेंड मैं नहीं कर रही हूँ। नायका ऑल डे मैट फाउंडेशन इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। इट वर्क्स लाइक अ हाई एंड ब्रांड प्रोडक्ट। इट्स अ मैट फाउंडेशन बट ब्लेंड बहुत ही स्मूथली होती है। यहाँ पे एक साइड में मैंने कम क्वांटिटी में अप्लाई करा एंड विद अ डैम स्पंज मैं इसे इवनली ब्लेंड कर रही हूँ। एंड दिस ब्यूटी स्पंज इज़ फ्रॉम ब्रॉन्सन प्रोफेशनल। अगेन डू नॉट अप्लाई टू मच फाउंडेशन एट वंस, क्योंकि वो केक लगेगा फिर और आपको वैसा लुक चाहिए भी नहीं है ना। आईब्रो पहले फिल हो जाए तो आप उसे कंसीलर से शेप दे सकते हो। यहाँ पे मिस क्लियर आईब्रो पेंसिल से डार्क ब्राउन शेड है इसका, इससे मैं नेचुरली अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ स्ट्रोक के हिसाब से लाइक दिस। दिस आईब्रो पेंसिल इज अफोर्डेबल एंड हाईली पिगमेंटेड। यह आपको आ जाएगा 65 या 75 में, मुझे याद नहीं है बट मैं मेंशन कर लूँगी आप स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स देख सकते हो। आईब्रो प्रोडक्ट्स जो हमने अप्लाई करा है उसे इवनली स्प्रेड करने के लिए हम स्पूली से कॉम करेंगे। ये है सबका पसंदीदा लिक्विड कंसीलर, अफोर्डेबल है एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। मीडियम टू फुल कवरेज ये देता है एंड ब्लेंड बहुत स्मूथली हो जाती है। सो मैं इसे अपनी फोरहेड पे, नोज़ पे थोड़ा सा एंड चिन पे अप्लाई करके पहले मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, दैट डजंट मीन आप बहुत हेवीली से अप्लाई करोगे। बहुत लाइट अप्लाई करो एंड उसे ब्लेंड करो, तभी आपका जो बेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करेगा, बिल्कुल भी प्रोडक्ट क्रैक नहीं करेगा। देन एक फ्लैट ब्रश में थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके मैं आईब्रो की एजेस को क्लीन कर रही हूँ। आई बेस मैंने क्रिएट करा है फॉर माय आई मेकअप। देन अंडर आई एरिया पे अप्लाई करके इवनली मैं उसे ब्लेंड कर रही हूँ। ऑलवेज रिमेंबर लेस इज मोर। फिर अगर आपने बेस मेकअप कंप्लीट कर लिया है तो उसे सेट भी कर लीजिए विद अ कॉम्पैक्ट। यहाँ पे मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट मैंने लिया है, अगेन इज अ बॉम प्रोडक्ट विद अ एक्स्ट्रा लाइट कवरेज। ये आपकी लाइट वेट बेस मेकअप को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लॉक कर देगा एंड ये आपको मैट फिनिश देता है प्रॉपर। सो
ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। फेस और नेक पे अप्लाई करने के बाद जो थोड़ा सा ब्रश में बच गया होगा उसी को लेके ईयर में थोड़ा सा कवरेज ऐड कर देना। एंड हियर इज द क्लोज कैप्चर ऑफ बेस मेकअप। सच्ची बता रही हूँ, दिस पैलेट हैज़ माई होल हार्ट। ये इतना अच्छा है ना, अफोर्डेबल है एंड हाईली पिगमेंटेड है, और क्या चाहिए। ये जो लाइट शेड है ना, इसे एक फ्लफी ब्रश में लेके पहले मैंने अपनी ट्रांजिशन एरिया पे एंड क्रीज लाइन पे अप्लाई करके इनवर्ड ब्लेंड करा लाइक दिस। बेस मेकअप हमारा ऑलरेडी डन है, तो आपको बहुत ओवर क्वांटिटी में बिल्कुल भी आई शेडो नहीं लेना है, नहीं तो वो कलर गिरेगा और आपका बेस मेकअप ख़राब होगा। पता है ब्लेंड करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आइज़ के इनर कॉर्नर पे, क्योंकि वहाँ पे अगर ज़्यादा डिपॉजिट हो गया प्रोडक्ट तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेगा। सो आपको लाइटली प्रोडक्ट लेके अच्छे से आउटर से स्टार्ट करना है, इनवर्ड आपको ब्लेंड करना है, दस ऑल। देन सेम ब्रश में आपको लेना है डार्कर शेड। दिस पैलेट हैज़ ऑल द पिंक शेड्स, ग्लिटर, शिमर एंड मैट शेड्स। फ्लफी ब्रश में डार्क पिंक शेड को लेके मैंने आउटर कॉर्नर पे प्लेस करा है लाइक दिस। मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, प्लेस कर रही हूँ, एंड प्लेस करते करते मैं उसे लेकर आऊँगी लिड तक लाइक दिस। देन सेम ब्रश के साथ मैं एजेस को ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन बिल्कुल ना दिखे एंड दोनों लाइट एंड डार्क शेड्स आपस में ब्लेंड हो जाए, मर्ज हो जाए कलर्स। सी द ब्लेंडिंग विद जस्ट वन ब्रश। देन स्विस ब्यूटी लिक्विड आई शेडो, ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिल्वर शेड है इसका। तो इसी का जो एप्लीकेटर है ना, ये बहुत अच्छा है। इसी के साथ मैं कट क्रीज कर रही हूँ विदाउट एनी कंसीलर। ये लिक्विड आई शेडो है, जब तक ये ड्राई ना हो जाए आप आईज़ को ऊपर मत करो, मत देखो, नहीं तो ये चिपक जाएगा और आपका आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। ओके, सो हाफ प्लेट तक कट करने के बाद मैंने ग्लिटर शेड अप्लाई करा है वही मार्स आई शेडो पैलेट से। ग्लिटर शेड ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है बट ब्रश के साथ पिक नहीं हुआ, सो मैंने फिंगर के साथ लेके, फिंगर में लेके अपनी कट क्रीज के ऊपर अप्लाई करा है लाइक दिस। एंड हियर इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस लुक। एक्चुअली दिस इज़ द हीरो प्रोडक्ट। दिस इज़ न्यूली लॉन्च्ड स्विस ब्यूटी होलोग्राफिक आईलाइनर। ओके, सो ये इसका छोटा सा रिव्यू दूंगी। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, सी वन साइड पिगमेंटेशन है। ये कलर शिफ्ट इतना क्विकली होता है ब्लू टू ग्रीन एंड ग्रीन टू ब्लू, बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। सिंपल लुक में एक वाइब्रेंट कलर ऐड हो जाता है जो बहुत ही प्रिटी लगता है। फिर मैंने वही डार्क पिंक शेड को लेके विद दैट सेम ब्रश मैंने लोअर लैश लाइन पे स्मश करा है लाइक दिस। लोअर वाटर लाइन के लिए मैंने कोई सा भी काजल अप्लाई नहीं करा है क्योंकि मैं इसे सटल एंड सॉफ्ट रखना चाहती थी, दैट्स व्हाई। ओके, सी द आई लुक, लेट मी नो हाउ इज इट। देन लॉट्स ऑफ मस्कारा विद NYBAE आई लव कर्लिंग मस्कारा। लैशेस लगाना या नहीं लगाना इज़ टोटली अप टू यू। आपको पसंद है तो लगाओ, ना पसंद है तो बहुत सारा मस्कारा अप्लाई कर लो अपर एंड लोअर लैशेस पे। ये मस्कारा अच्छे से लैशेस को सेपरेट करता है एंड वॉल्यूम भी ऐड कर देता है। फिर सिल्वर शिमर शेड से मैंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करा विद अ स्मॉल फ्लैट ब्रश। देन इस अ 3-in-1 फेस पैलेट फ्रॉम NYBAE, ये भी हाईली पिगमेंटेड है। इसका ब्रॉन्जर लेके मैं लाइटली अपनी फेस को कॉन्टूर कर रही हूँ एंड जॉ लाइन, नोज़ को भी। फेस को थोड़ा सा शेप देने के लिए आपको नोज़ पे जो ब्रॉन्जर आप अप्लाई कर रहे हो उसे आउटसाइड डायरेक्शन में ब्लेंड करो। चिक पे जो ब्रॉन्जर हम अप्लाई करते हैं उसे अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करो एंड जॉ लाइन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करो, ठीक है। देन उसी पैलेट से मैं ब्लश लेके अप्लाई कर रही हूँ पूरा जो मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई करा ना अपर डायरेक्शन में, उसी के साथ मर्ज करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ बहुत ही लाइटली। कैन यू सी, बहुत ज़्यादा लाइट है। सो इट्स अ रियलिस्टिक मेकअप, आप इसे वेडिंग गेस्ट या पार्टी या कहीं पर भी करके जा सकते हो। फिर स्विस ब्यूटी हाईलाइटर पैलेट, ये हाईलाइटर पैलेट
बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें गोल्डन हाइलाइटर लेके अगर आपकी वॉर्म या गोल्डन अंडरटोन है देन ये हाइलाइटर आपके लिए बेस्ट है। आपकी स्किन टोन के साथ मर्ज हो जाएगा, बिल्कुल भी एक पैच जैसा नहीं लगेगा। ओके, सो हाइएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करने के बाद ब्राउ बोन को मैंने हाईलाइट करा, ब्राउ बोन। ओके, सो वही डैम स्पंज जिससे मैंने अपना लिक्विड प्रोडक्ट ब्लेंड करा था, मैं हाइलाइटर को ब्लेंड कर रही हूँ। देखो, हाइलाइटर को ब्लेंड करने का क्या मतलब है, जब हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, उसे ब्लेंड करने के बाद एक शाइन ऐड हो जाता है, एक ग्लो ऐड हो जाता है, वो लाइन कम्प्लीटली गायब हो जाता है। ओके, सो मेकअप फिक्सर स्विस ब्यूटी का लिया है, उसे लेके मैंने डायरेक्टली स्प्रे नहीं करा है, मैंने स्पंज में स्प्रे करके इनवर्ड प्रेस करा है ताकि मेकअप ब्लॉक हो जाए। सो आई मेकअप आपने देखा कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सो लिप कॉम्बो के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ही ये लिप लाइनर है। ओके, इन द शेड मरून मैंने पहले आउटलाइन करा, देन थोड़ा सा इनवर्ड अप्लाई करके उसे ब्लेंड करा है, स्मर्श कर दिया है। ठीक है, अपने हाथों से ही मैंने स्मर्श करा, देन मैंने मेबलिन का पिंक न्यूड शेड को अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ लिप शेड निकल के आया जो आई थिंक परफेक्टली जा रहा था ये ड्रेस एंड मेकअप के साथ। सो दिस इज़ द फुल लुक, एंटायर लुक। आई होप ये लुक आपको पसंद आया है एंड ये छोटा सा ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है ना देन प्लीज़ लेट मी नो। See you soon with my next video.